दिनों से प्रतिबंधित नायलॉन मांजा सुर्खियां बना हुआ है। इसके बावजूद आए दिन प्रतिबंधित नायलॉन मांजा खरीद फरोख्त का सिलसिला देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को भी नंदनवन पुलिस की टीम ने एक युवक को हिरासत में लेकर उसके पास से 49 चक्री सहित 34,300 रुपए का माल बरामद किया है। नंदनवन पुलिस की टीम ने एक 19 वर्षीय युवक को प्रतिबंधित नायलॉन मांजा खरीद कर ले जाते हुए रंगे हाथ धर दबोचा है। पकड़ा गया युवक प्रीतम देवेंद्र ढोले कामाक्षी नगर वाठोरा रोड निवासी बताया जा रहा है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार एक युवक प्रतिबंधित मांजा खरीद कर नंदनवन परिसर के हिवरी नगर परिसर में सड़क से जा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने छापा मार कार्रवाई की। इस युवक को हिरासत में लेकर उसके पास मिले एक सफेद रंग के बॉक्स से 49 चक्री प्रतिबंधित मोनोकाइट फाइटर नामक मांजा बरामद किया। बताया जाता है कि ये लड़का बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ता है और एक व्यक्ति से इस मांजे को खरीद बेचने के लिए जा रहा था। दिनांक 15/12/2022 रोजी पीएसआर रहाटे दिलीचे आणि एससी सिद्धार्थ त्यांचे पार्टी प्रेम कुमार विनोद आणि नीती हे त्यांनी चौकामध्ये पेट्रोलिंग करीत असताना त्यांना एक इसम एका इतर कुत्र्यामध्ये संशयदृत्या जाताना दिसल्यामुळे त्यांनी त्याला विचारून त्याचे नाव पत्ता विचारलं। त्यांनी त्याचं नाव प्रीतम ढोले असे सांगितले। त्याचं वय 19 असून तो कामाक्षी नगर वाठोरा राहतो। त्यांनी त्याची झडती घेतली। त्याच्याकडून प्रतिबंधित नायलॉन मांजाची 49 चक्री किंमत 34,300 रुपयाचे मिळून आले। त्याला सदर विचारणा केली असते की त्याने एक इसम याने त्याला ऑनलाईन पेमेंट करून त्याला तिथे डिलिव्हरी दिल्याचे सांगितले आहे। सदर बाबत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून ज्या इसमाने त्याला ते दिलेले आहे त्याचा पुलिस शोध घेत आहे। इस दौरान उस लड़के ने ये भी बताया कि अपने फोन से ऑनलाइन इस मांझे की पेमेंट उसने उस व्यक्ति को की थी। अब पुलिस उस दूसरे व्यक्ति की तलाश में जुट गई है। फिलहाल पकड़े गए माल की कुल कीमत 29,300 रुपए आकी जा रही है। NBC न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।